रांची के मोरहाबादी मैदान में दो दिवसीय 8वीं नेशनल और 4थी इंटरनेशनल रेस वॉकिंग चैंपियनशिप की शुरुआत की गई। इसमें कैटी इरफान और भावना जाट जैसे रेस वॉकर हिस्सा ले रहे हैं। प्रतियोगिता के पहले दिन हरियाणा के संदीप कुमार और राहुल ने 20 किलोमीटर वॉक स्पर्धा में ओलंपिक क्वालिफाई किया, जबकि महिला प्रतिस्पर्धा में 20 किलोमीटर में उत्तर प्रदेश के मेरठ की प्रियंका कुमारी को ओलंपिक के लिए हरी झंडी मिली है। अफगानिस्तान के एक नागरिक ने राजधानी रांची के कांके रोड में नियम कानून को धत्ता बताते हुए 91 डिसमिल जमीन की रजिस्ट्री करा ली है। मामला खुलने के बाद अब निबंधन विभाग में हड़कंप मच गया है। मामले की जांच के आदेश दिए गए हैं। बता दें कि गुलाम सरवर मूल रूप से अफगानिस्तान के गजनी जिले के खैर कोट का रहने वाला है। वो भारत में 1953 में आया था। चारा घोटाला के चार मामलों में सजा काट रहे राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की जमानत पर अब 19 फरवरी को झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई होगी। जस्टिस अपरेश कुमार सिंह की अदालत ने लालू की जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान केंद्रीय जांच एजेंसी सीबीआई को लालू प्रसाद की जेल अवधि की निचली अदालत के आदेश की सत्यापित प्रति अदालत में दाखिल करने का निर्देश दिया। झारखंड के प्रभारी डीजीपी रहे एमवी राव ने वीआरएस लेने की घोषणा की है। दरअसल इसी साल डीजीपी रहे एमवी राव सितंबर में सेवानिवृत्त होने वाले थे, लेकिन इसके पहले ही उन्हें डीजीपी के पद से हटा दिया गया। संभावना जताई जा रही है कि एक माह के भीतर एमवी राव स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ले लेंगे। पंजाब के मुख्यमंत्री के सलाहकार की पत्नी के खाते से पैसे उड़ाने वाला श्रातिट साइबर अपराधी को दुमका से गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार शख्स के पास से 50,000 नकदी समेत 5 मोबाइल फोन बरामद किए गए हैं। पुलिस ने बताया कि गिरफ्तार साइबर अपराधी अंशु मंडल देवघर जिले के पोलो जोरी थाना क्षेत्र का रहने वाला है। वो लगातार दुमका में रहकर साइबर अपराध की घटना को अंजाम दे रहा था। चमोली हादसे में लापता मजदूरों के परिजन राज्य सरकार के सहयोग से गरीब रथ से रांची से दिल्ली रवाना हुए। लापता मजदूरों को तलाशने के लिए लोहरदगा से परिजन उत्तराखंड के लिए जाएंगे। लापता मजदूरों के परिजनों को दिल्ली जाने के लिए 5 टिकट आरक्षित कराने को कहा गया है। दिल्ली जाने वाले में मजदूर के परिजन सीताराम उराव, सेवक बाखला, करमदास भगत व दिगम्बर महतो के अलावा श्रम अधीक्षक धीरेन्द्र महतो भी हैं। तमिलनाडु में बंधक बने झारखंड के गुमला जिले के 8 मजदूरों को पुलिस प्रशासन ने मुक्त करवा लिया है। अभी सभी 6 मजदूर तमिलनाडु के नामाकल जिले के पुलिस के संरक्षण में हैं। वहीं 3 मजदूर अभी भी गायब हैं। तमिलनाडु के नामाकल जिला की पुलिस के अनुसार सभी 6 मजदूर सकुशल हैं। 13 फरवरी को सभी को बस में चढ़ाकर झारखंड के गुमला के लिए भेजा जाएगा। झारखंड की राजधानी रांची के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट से हवाई उड़ान पर राज्य सरकार की ओर से रोक हटा दी गई है। अब जल्द ही यहां से विमान सेवा में बढ़ोतरी होगी। वर्तमान में यहां से हर दिन औसतन 17 से 19 विमानों का परिचालन हो रहा है। घटना रायपुर व भुवनेश्वर को छोड़कर सभी सेक्टर्स में फिलहाल विमान सेवा शुरू हो गई है। इसके अलावा चेन्नई व अहमदाबाद सेक्टर में नई विमान सेवा शुरू की गई है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने शहादत दिवस पर वीर विधु भगत को श्रद्धांजलि दी। हेमंत सोरेन ने कहा कि देश की आजादी में अमर शहीद व वीर विधु भगत का योगदान अतुलनीय है। हम सभी झारखंड वासियों को उन पर गर्व है। झारखंड में शनिवार से कोरोना टीके की दूसरी डोज लगी। पहले दिन 48 साइटों पर लगभग 3,000 स्वास्थ्य कर्मियों को ये बूस्टर डोज दी गई है, जिन्हें 16 जनवरी को पहली डोज दी गई थी। बता दें कि कोरोना टीका की 2 डोज लेना अनिवार्य है। दूसरी डोज लिए बिना शरीर में प्रतिरोधक क्षमता विकसित नहीं हो पाएगी।